नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आपको आज नशे के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये पंचकर्मा का एक पार्ट है, इसकी ख्याति बहुत ही अच्छी है और ये नासाई शीर्षोद्वारम इस हिसाब से जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। एन नंबर ऑफ डिसीज में ये नशे प्रोसीजर की जाती है, लेकिन उसकी अवस्था कौन सी है, कौन सी अवस्था में करना चाहिए, कौन सी अवस्था में नहीं करना चाहिए, कौन से दोष में कौन सा कल्प यूज करना है। जो ये अणु तेल है ये ब्रूहण का तेल है और षडबिंदु तेल ये विरेचन का तेल है। अब ये ब्रूहण तेल और विरेचन का तेल कहाँ पे यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज करना है, और दो तरह की संप्राप्ति है, एक क्षयजन्य और मार्गावरोधजन्य। क्षय में कौन सा तेल देना है और इसका इंडिकेशन क्या है, ये अगर हम सिर दबाते हैं और हमें अच्छा लगता है तो समझ लेना कि ये क्षय की संप्राप्ति है। तो यहाँ पे हमें ब्रूहण कल्प करना है, जो अणु तेल ये ब्रूहण नस्य है। तो यहाँ पे अगर वात क्षय होता है तो पीड़ा करने से यहाँ पे अच्छा लगता है, तो वात क्षय में हमें ब्रूहण तेल यूज करना है। अगर यहाँ पे हमें सर दबाने से अगर शूल बढ़ता है तो ये स्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है। तो इसमें हमें षड बिंदु तेल यूज करना है, मतलब ये विरेचन का कल्प है। तो ऐसे हमारे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में शिरो विरेचनीय गण बताए हैं, उसमें उन्होंने कल्क स्वरस चूर्ण ऐसे उन्होंने एन नंबर ऑफ कल्प उन्होंने बताए। लेकिन आज हम नस्य के बारे में जो बताने वाले, इसमें लगने वाली जो सामग्री है, फर्स्ट हमें तेल लगने वाला है जो कि तिल का तेल है, जो नस्य है ये अणु तेल, बिकॉज पेशेंट का वार्धक्यजन्य क्षयजन्य संप्राप्ति है। उसके बाद में जो चूर्ण है ये त्रिफला चूर्ण है, इसका हमने काढ़ा बनाया है जो कि एक चम्मच चूर्ण और 200 ml पानी, उसका हमने जैसे चाय बनाते हैं वैसे हमने बनाया है। जो गंडूश के लिए लगने वाला ये ग्लास है, ये तेल है गंडूश में, इसी में हमें तेल डालने वाला है। स्वेदन के लिए हमें ड्रायर की जरूरत है। ये धूपन यंत्र है, इससे हम धूमपान करने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे कि कैसे कैसे अभी हम प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो वो देखेंगे। ओके, तो अभी हम जाएंगे स्नेहन की ओर। जो स्नेहन की जो स्टेजेस बताए हैं, जो स्नेहन की स्टेजेस है, सिंपल सी बात है, जो जैसे जैसे हमारे फेस के ऊपर जितने मसल का ओरिजिन इंसर्शन है, चीक बोन और ये नेजल के यहाँ पे रहने वाला जो मसल है, उस हिसाब से स्नेहन अभी किया जाएगा। जो चीक बोन और लिप के यहाँ पे जो सर्कुलर जो बोन है, सर्कुलर मसल है, उसके हिसाब से हम लिप के यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट हम करने वाले हैं। और जो मन्य है, जो कि जो गर्दन है यहाँ पे, हाँ वहां पे अभी फिगर ऑफ एट का हम मसाज अभी हम करेंगे। फिगर ऑफ एट ये देखो, वन सर्कल टू सर्कल, ये फिगर ऑफ एट। और कर्ण की यहाँ पे भी हमें स्नेहन करना है, जो कि सर्कुलर मोशन से हमें ऊपर से नीचे हमें स्नेहन करने का है। तो ये हो गया स्नेहन। स्नेहन के बाद हमें स्वेदन करना है। स्वेदन के लिए हम ड्रायर यूज करेंगे, जो कि स्नेहन और ये जो अवपीड़क, जो भी अवपीड़क कल्प है, अवपीड़क में हम कल्प यूज करते हैं। प्रथमन में हम चूर्ण यूज करते हैं। यहाँ पे आँख को संभाल के, मतलब आँख में स्वेदन नहीं करना है, तो इसीलिए हमारा हाथ वहाँ पे हमें रखना है और स्वेदन करना है। जहाँ जहाँ ऑयल है वहाँ वहाँ हमें मर्दन करना है और उस तेल को अंदर में पोर करना है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताता हूँ, बिकॉज कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं समझेगा तो हर पेशेंट में आप ये करते रहोगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें कहाँ कहाँ पे है, तो एक्यूट श्वास कास और प्रतिशाय में नशे करना नहीं है, गर्भिणी में करना नहीं है, भोजन के बाद करना नहीं है, वमन विरेचन बस्ती लेने के बाद हमें करना नहीं है। तो ये उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। तो कफ ऋतु में, कफ दोष में हमें मॉर्निंग में नस्य करना है, पित्त दोष में हमें आफ्टरनून में करना है, और वातज में हमें इवनिंग में करना है। अभी स्नेहन स्वेदन हो गया, ये अभी हम
नस्य की जो जो प्रधान चिकित्सा है वो हम अभी करने वाले, लेकिन उससे पहले जो पोजीशन है, ये पोजीशन देखो, हमें यहाँ पे दो तकिए हमने रखे हैं। उससे क्या होता है, जो गर्दन का हिस्सा है ना वो नीचे की ओर चला जाता है, जो पोर करने वाले हैं वो लैटरली 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 दो दो बूंद वहां पे हमें डालना है, एक दो, उसके बाद में पेशेंट को लंबी सांस लेने के लिए बोलना है एक दो। ये अभी हमने नस्य डाल दिया है, उसके बाद में हमें सांस ले लो लंबी लंबी, और इसके बाद हमें पेशेंट को फिर से स्वेदन करना है, फिर से स्वेदन करना है। मतलब ये जो नस्य में डाला हुआ जो तेल है ये शुंगाटक मर्म की ओर, शुंगाटक मर्म तक जाना चाहिए। शुंगाटक मर्म ये यहाँ पे जो आँख नाक मुंह और कान के सेंसरी ऑर्गन को बल देने वाला और उसका कनेक्टर है, तो यहाँ पे हमें फिर से स्वेदन करना है। स्वेदन के बाद में हमें पेशेंट को अंग मर्दन करना है, तो अंग मर्दन में उसके कंधे, उसके सिर को दबाना है, सिर को दबाना है, कंधे को दबाने का है, हाथों को दबाने का है, और उसके बाद में पाँव को दबाने का है, पाँव में जो भी एडी है वहां पे दबाने का है। ये हो गया उसका पश्चात कर्म। उसके बाद हमें पेशेंट को बिठाने का है, और बिठाने के बाद पेशेंट को कवल गंडूष के बारे में कवल करने के लिए बोलना है। पेशेंट अभी कवल करेगा, वो काढ़ा लीजिएगा, और कवल हो जाने के बाद, कवल और गंडूष हो जाने के बाद पेशेंट को, ये कवल है, अभी ये गंडूष, अगर नाक में और मुंह में अगर वो तेल आता है तो उसको निकालने के लिए बोलना है फिर से आप करो। और ये सम्यक और सम्यक स्नेहन, सम्यक नस्य होने की जो लक्षण बताया है, जो सर्व इंद्रिय को बल बढ़ाता है, अगर अयोग्य होता है तो नाक कान में ड्राइनेस बढ़ता है, और अतियोग हो जाएगा तो पीनस कृशता और लालास्त्राव बढ़ता है, तो ये इंडिकेशन है। और प्रतिमर्ष बाल वृद्ध, और इसको हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन नस्य के 15 काल बताए हैं, जो 15 काल है वो 15 काल में ही नस्य करना है, प्रतिमर्ष और मर्ष के लिए। ये अभी हम धूमपान के लिए जो वर्ती है, धूमपान वर्ती, ये श्वास खास और गण की वर्ती है, ये हमारा धूमपान यंत्र है, और उसके बाद में पेशेंट अभी सांस ले रहे हैं, और जो भी धूप आएगा वो मुख से निकालेगा फिर से जोर से, हाँ फिर से करो, हाँ ये अभी धूपन आया है, धूप धूम आया है, फिर से करो, ऐसे 3 बार करना है कंटिन्यूअस, पूरी छाती फैला के उसको लेना है, हाँ छोड़ो, हाँ ये देखो ये धूमपान हो गया है। ये धूमपान होने के बाद हमें पेशेंट को 5 मिनट तक बिठाना है, उसके बाद में पेशेंट को हमें जाने के लिए बोलना है, लेकिन उसके जो भी प्रोसीजर है वो हमें हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना है, बिकॉज नस्य से क्या होता है, या अगर हम मीडियली अगर नस्य अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो मीडियली नस्य करेंगे तो डायरेक्टली ऊपर की ओर जाएगा और गिडीनेस और सिर में दर्द बढ़ेगा। तो ये हमें पेशेंट को घर पे करने से पहले हमें हमारे ओपीडी में ये प्रोसीजर करना है, अगर नहीं आप करते हो तो इसका साइड इफेक्ट होगा वो बहुत ही गंदा होता है, सर में दर्द होता है, प्रतिशय आता है, और कंटिन्यूस हेडेक जो कंप्लेंट है जिसके लिए पेशेंट आया आया रहता है, और वही उसके डिसीज बढ़ते हैं, अगर इनप्रॉपर अगर आप करोगे तो उसका डिसीज बढ़ने के चांसेस है। और जो भी हम डेली बेसिस पे हम प्रतिमर्शन से हम कर सकते हैं, दो दो बूंद हम पेशेंट को नाक में डालने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रोसीजर यही है, अगर ये प्रोसीजर आप करते नहीं हो तो पेशेंट को सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे एक एक बूंद आप नाक में डालो और चले जाओ, ये जो नस्य है ये पृथ्वी महाभूत, ये जो गंध ज्ञानेन्द्रिय है ये पृथ्वी का है, पृथ्वी का काम है धारण करना, धी द्रुति स्मृति जो धारण का जो काम है, जो स्वर में जाने के बाद जो सेंसरी नर्व की जो भी मोटर सेंसरी जो भी उसका काम है वो धारण करना, ये काम अगर बढ़ाना है तो नस्य इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। और डेली बेस पे अगर आप नस्य करते हो तो हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत विकार एक भी नहीं होंगे, और हमारे जितने भी स्किन है ये नव तरुण रहेगी, और हमें जो
बूढ़ापन है वो नहीं नहीं आएगा। तो इसीलिए एन नंबर ऑफ उसके बेनिफिट बताए नस्य के, जो पंचकर्म का एक प्रोसीजर है, इससे हमारे जो स्रोतस है अणु और स्रोतस, जो अणु तेल यूज किया है, अणु तेल अगर यूज करते तो अणु और स्रोतस में जाके अणु और स्रोतस के डिफॉर्मिटी वो रिप्लेस करता है, वहां पे प्यूरिफिकेशन करता है। इसीलिए हम जो भी ड्रग यूज करेंगे वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए।